the beauty in God and the beauty what He has done and the absoluteness that He has and the ghina He has, ye encounter karne ke baad ek aadmi jab itni perfection se aankh hatata ho kya sada honi chahiye iska wahi yaslubhum zawab shayya agar makhi usse kuch chheen ke le jaye la yastanqidhuhu min tu china wa wapas la ke bata de aapke paas quran bhi hai aur tafakkur karne ke liye kainat so there are verses in the heavens for you to derive what is the azmat and what is the shan of Allah subhanahu wa ta'ala and then there are verses in Quran depicting the majesty and the glory the highness and sovereignty the supremacy of the all merciful the one and only the most unique the most mutafarrid the one who has no missile no partnership in any aspect of his existence Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal uski zaat ko samajhne ke liye makhlooq bhi hai aur ayat a very beautiful sentence can be found in the book of Imam Ibn Taymiyyah that was al-Abudiyya we found that out that it was written over there that mankind is designed to fall in love with something that is more perfect and absolute than him insaan ko apne se kam ki taraf lagav nahi hota apne se इसलिए उसको जब अपने से थोड़ा सा सुपर ह्यूमन मिला ना उसने सज्दा कर दिया उसको इबादत दे हम खालिकु मिन गैर शयइन अब हम खालिकुन अल्लाह दो सवाल करता है इनसे क्या ये गैर शयइन नथिंग से आ गए समथिंग में या इन्होंने खुद अपने आप को पैदा कर दिया फर्ज अल बसरा हर तरह मिन फुतूर सुमर अल बसरा करदा तैनी अनकलब इलैकल बसरु खासिया हुआ वासीर तू दुला अपनी नजरों को फिर दौड़ा अपनी नजर को फिर दौड़ा अपनी नजर को हो सकता है शायद मखलूक के अंदर एक इंच के जितने तू नक्स लेके आ जाए तू बता दे कि शायद दो की जगह तीन तीन की जगह चार चार की जगह छह होना चाहिए था इन द प्रिंसिपल्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस इन द चैप्टर्स ऑफ उसूल अल फिक्ह व्हेन यू आर मेकिंग अ फतवा एंड यू आर टेकिंग आउट अ फतवा एंड यू आर एक्सट्रैक्टिंग अ रूलिंग देयर इज अ टूल कॉल्ड सद्द जरिया के उस चीज का मुंह वही बंद कर दो जो आगे जाके बड़ा शर बन सकती है इसलिए अल्लाह जब भी डिविएशन और परसेप्शनल डिसऑर्डर को डिस्कस करता है ना कुरान में तो सिंगुलर के सीगे के साथ नहीं करता अरेबिक में प्लुरैलिटी लाता है जुलुमात वो एक अंधेरे में नहीं है वो अंधेरों की डेप्थ में डूबा हुआ है और देख लें आज गुमराहियां कितनी बट वेन एवर अल्लाह टॉक्स अबाउट सर्टेनिटी कन्विक्शन ईमान यकीन ट्रूथ हक तो अल्लाह सिंगुलर सीगे दे गया सिरात सिरात सिंगुलर नूर सिंगुलर अनवार नहीं का सबील सिंगुलर सुबुल नहीं का वाला तत्तबियो सुबुल का डोंट फॉलो द प्लुरैलिटी ऑफ डिविएशन ऑन द सैटेनिक पाथ्स फॉलो द सिंगुलैरिटी ऑफ द हक दैट इज गिवन इन कुरान ऑन सिरात नूर लाइट एंड लाइट यानी पहले जुमला था नाबुदू का हम इबादत करते हैं तेरी मखलूक पहले खालिक बाद काफ हटा के पीछे इयाका किया है नाबुदू बाद में किया है सिर्फ तेरी और तेरी हम इबादत करते हैं अदब का तकाजा भी ये कहता है कि मालिक का जिक्र पहले हो फिर मखलूक की कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी पे बात की जाए कुरान का दूसरा पैगाम भी ये कहता है इकरा बिस्म रब्बिक अल्लज़ी खलक जब हिकमतों की बात की तो अल्लाह ने पहले नबी से क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नाम से शुरू करें जिसने आपको पैदा किया तो तखलीक के क्रिएशन के उसूलों को बात करने से पहले अल्लाह का नाम लेना बहुत जरूरी है जब नूह अलैहि सलाम की किश्ती चली तो तब भी अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा ये किश्ती चलेगी भी अल्लाह के नाम की शुरुआत से और रुकेगी भी अल्लाह के नाम से जब कायनात अल्लाह ने बनाई तब भी अल्लाह ने अपना नाम ही बुलंद रखा वलहुल हमदु फिल उला वल आखिरा जब कुछ भी नहीं था तब अल्लाह था उसी की हम थी जब कुछ भी नहीं होगा तब भी अल्लाह है तब भी उसकी हम रहेगी इसलिए जब जन्नतों में इंसान चला जाएगा तब भी अल्लाह की वकील अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह का जिक्र जो है अल्लाह का डिस्कशन जो है वो हमेशा बाबरकत है चाहे इंसान ने वॉशरूम में जाना हो तो उसकी पनाह लेनी हो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन खुबसी वल खबाइस या दिन की शुरुआत करनी हो नींद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना वलैहिन नुशूर या उसमें खाने की इब्तिदा करनी हो तो अल्लाह के नाम से हो खाने के इंतहा करनी हो तो अल्लाह के नाम से हो स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह सुभान व तआला नोइंग हिम स्टडिंग हिम इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी फरा सुकून राहत इन दिस दुनिया जिस आदमी को अल्लाह के इस ट्रायल की डायनामिक्स की डेप्थ नहीं पता होगी ना वो इस ट्रायल को ना समझ सकता है गिर जाएगा वह हसा अन तकरहु शयइन
سورہ بقرہ وعسى ان تكرهوا شيئا پلیز اف یو کین فائنڈ دی ریفرنس کوٹ اوور ہیئر فائنڈ می دی ہائر نمبر وعسى ان تكرهوا شيئا تجھے ایک چیز نفرت ہے جو ظاہر میں تجھے دکھ رہی ہو تیرے دل میں ایک کانسیپٹ کے بارے میں ایک ہیپننگ کے بارے میں ایک ایونٹ کے بارے میں ایک چیز کے بارے میں نفرت ہے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وہ تیرے لیے اچھی ہوتی ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا اور تو ایک چیز کے اوپر مر مٹ رہا ہوتا ہے وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ آیت 216 اور اس میں تیرے لیے شر ہوتا ہے اللہ کلاس کو اینڈ کیسے کرتے ہیں آرٹیکولیشن دیکھیں آپ اللہ کی کمانڈ کی ہیومن انڈرسٹینڈنگ پرسیپشنل آرڈر کے لیے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اس سوچ کو اسٹیبلش کر کہ تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں